आरपीएस एंटरटेनमेंट एसोसिएशन द्वारा अलीना मिस ट्रांस और मिस्टर गे इंडिया 2019 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 125 ट्रांसजेंडरों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम की आयोजक रीना ठाकुर ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे लोगों को बढ़ावा देना है जिनको समाज में उचित दर्जा नहीं मिल पाता। रीना ठाकुर ने इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि इस बार सबसे अलग हटकर यह शो किया जा रहा है। उनका उद्देश्य है कि जिन लोगों को समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है उनकी प्रतिभा को लोगों और समाज के सामने दिखाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि वो लोग समाज को अपनी प्रतिभा दिखाएं और समाज में अपनी एक नई पहचान बनाएं। कार्यक्रम के बारे में बताते हुए रीना ठाकुर ने कहा कि ये शो का पहला चरण है और इसका फिनाले अप्रैल माह में किया जाएगा। ये आरपीएस एंटरटेनमेंट की तरफ से शो होने जा रहा है जिसका नाम है मिस ट्रांस मिस्टर गे इंडिया 2019। जी, इस बार हमारे पास में जो रजिस्ट्रेशन आए हैं वो हैं 125 से 130 के करीब, लगभग 125 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। देखिए, हम लोगों का ये सोचना है कि हम जितने भी जैसे लोग बैठे हैं, हम लोगों का ये सोचना है कि इन लोगों को भी एक बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। जैसे कि हमारे समाज में इनकी कम्युनिटी को बिल्कुल काटा हुआ है इस समाज से, तो मैं चाहती हूँ ये लोग भी हमारी तरह कंधे से कंधा मिला करके चलें, इन्हें समाज में एक इज्जत मिलनी चाहिए। मैंने ये देखा कि ये कितने रियल है, कितने जेन्युइन है, ये जैसे वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करें और कुछ भी कुछ आर्टिफिशियल नहीं रखें, जो भी है जैसा इनका रियल सेल्फ है वो बाहर निकल कर आए। और बाकी प्रेजेंट में भी जो है वही क्राइटेरिया रखा है, कुछ अलग से ना इनको हमारे प्रेजेंट का रही है, इनको एक बराबर के लेवल में माना गया है और कुछ अलग सा नहीं माना गया है। तो क्राइटेरिया सारे वही है कि अपनी पर्सनैलिटी को अपने आप को कैसे होल्ड करते हैं और कितने रियल है। आई एम हेयर एज अ जूरी मेम्बर फॉर देयर रजिस्ट्रेशन, जो पोर्टफोलियो चल रहा है इनका, जिसके लिए और मेरा सोचना मानना यह है इन लोगों के लिए, बिकॉज मैंने देखा है अपनी आंखों से, इफ़ दे गोज फॉर अ जॉब टू एनी एमएनसीज और एनी बिग कंपनीज, पीपल नॉट बी सिट विद देम, नॉट टॉक टू देम प्रॉपरली, नॉट बी फेमिलियर विद दिस पीपल, ऑलवेज इनको नकारा जाता है। जी, और ये एक ऐसी फील्ड है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ये अपने दम पे अपने आप में कुछ कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को लेकर। इसलिए हमने उनको मौका दिया कि यहाँ आएँ, अपने आप को परफॉर्म करें। वेल, यहाँ पे जितना भी जो आपने बताया, जजेस ने बताया है सोसाइटी के बारे में, मेरा जो आउटलुक है मैं ये देखना चाहता हूँ व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड ऑफ देयर पर्सनालिटी, वो अपने आप को कैसे स्ट्रगल करते हैं, उनका लाइफ कैसा है और किस बिहाफ पे वो अपने आप को आगे देखना चाहते हैं। इनफैक्ट इन दिस जब सोसाइटी ने सपोर्ट नहीं करती तो अगर उन्हें इस फील्ड में चांस मिलता है देन हाउ कैन दे सर्वाइव ऑन देयर थिंग्स।